आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत प्लान जिसका लेआउट प्लान आपके सामने है। इस प्लॉट के साइज की हम बात करें तो 30x40 का ये प्लॉट है जिसका स्क्वायर फीट एरिया 1200 स्क्वायर फीट बनता है और इसको गज में देखें तो 135 गज बनता है टोटल। और इस वीडियो में जो डिटेल होगी जैसे कि आपका ग्राउंड फ्लोर पर क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है वो यहाँ पे पूरी लिस्ट हमने बनाई हुई है। यहाँ पे एंट्रेंस पोर्च स्लैश कार पार्किंग होगा आपका, प्लस आपको एक छोटा सा गार्डन एरिया मिलेगा। ड्रॉइंग एंड गेस्ट रूम जैसा आप यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। डाइनिंग स्पेस आपको सेपरेट मिलेगा और दो बेडरूम इसमें होंगे और एक अटैच बाथरूम और एक कॉमन बाथरूम। एक किचन होगा आपका, स्टेयर होगा और कार पार्किंग होगा। और ये जो स्टेयर है आपको नॉर्मली इसको रेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने इसकी डिजाइनिंग की है। इस वीडियो में जो डिटेल होगी वो है आपका 2D प्लान जो हम अभी आपको दिखा रहे हैं, प्लस 3D इंटीरियर प्लान जो हम आपको दिखाने वाले हैं, फिर मटेरियल विद फर्नीचर के साथ सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी, प्लस इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हम आपको बताने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहें और इसको ध्यान से देखें। ये हमारा 3D प्लान है उसी प्लान का जिसके बारे में हम अभी आपसे डिस्कस कर रहे थे, जिसका साइज है 30x40 और इसको हमने डिजाइन किया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। 3D दिखाने का मेन मकसद हमारा यही होता है कि जिससे आपको क्लियर व्यू मिल सके। अगर आप घर बनाने जा रहे हैं उससे पहले अगर आपको घर का व्यू देखने को मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में, कि आप को एक आइडिया मिल जाता है कि हमारे घर में जो है किस तरीके से फिनिशिंग होगी, किस तरीके से मटेरियल यूज कर सकते हैं, प्लस कहाँ पे क्या चीजें आ रही है फर्नीचर में, वो सारी चीजें आपको क्लियर व्यू यहाँ पे मिल जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस प्लान का वास्तु से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसमें वास्तु एस्पेक्ट ना करें। आपको किसी भी दिशा में इस प्लान को बनाना हो तो आप किसी भी दिशा में आप बना सकते हैं, क्योंकि इसका वास्तु से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, एंट्री से शुरू करेंगे। ये हमारी मेन एंट्रेंस गेट है जिसकी हमने ओपनिंग रखी है 10 फुट की, 5-5 फुट के दो पल्ले आ जाएंगे यहाँ पे, या फिर अगर आप स्लाइडिंग यूज करना चाहें तो आप इधर स्लाइडिंग यूज कर सकते हैं अंदर साइड में। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ ये यह हमारा रोड है और ये हमारा पार्किंग लेवल है, तो यहाँ पे जाने के लिए हमने एक छोटा सा रैंप दिया हुआ है। तो नॉर्मली जो है रोड से और पार्किंग का लेवल थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसकी हाइट हमने रखी है 1 फुट, रोड से पार्किंग का जो हाइट होगा वो 1 फुट होगा। उसके बाद जो है हम यहाँ पे जो है आते हैं अपने पार्किंग एरिया में। तो पार्किंग हमने इतनी चौड़ी रखी है कि आपकी एक कार और एक बाइक आराम से यहाँ पे आ सकती है पार्किंग, या फिर मान लीजिए या फिर पोर्च मान लीजिए, एंट्रेंस पोर्च। तो इस तरीके से हमने इसको डिजाइन किया है। अब इसकी साइज की मैं बात करूँ तो इसकी जो चौड़ाई है वो 12 फुट है और इस पार्किंग की पूरी लंबाई यहाँ तक ये जो है पॉट हमने रखा हुआ है यहाँ पे, इसकी लंबाई 17 फुट 9 इंच है। तो यहाँ पे कोई भी एक बड़ी कार आराम से आ सकती है। बाकी आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से हमने इसको डिजाइन किया हुआ है, प्लस यहाँ पे साइड में हमने एक छोटा सा सिटिंग काउंटर दे रखा है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे साइड में, तो ये हमारा गार्डन एरिया है जहाँ पे हमने गार्डन में ही सीढ़ी को प्रपोज किया हुआ है। और इसका जो साइज हमने लिया हुआ है पूरे गार्डन का 16 फीट 10 इंचज की पूरी चौड़ाई है, यहाँ से व्हाइट वाले पट्टे से लेके यहाँ तक वॉल के अंदर अंदर तक 16 फुट 10 इंच है, प्लस इसकी जो ये लंबाई है वो 9 फुट 3 इंच है। तो यहाँ पे जो है इतने बड़े एरिया में आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सीढ़ी का, तो सीढ़ी का जो साइज हमने लिया हुआ है 10 फुट 9 इंच, यहाँ से लेके आपका यहाँ तक 10 फुट 9 इंच है और बाय आपका 3 फुट 3 इंच चौड़ी ये सीढ़ी है। तो 3 फुट 3 इंच प्लस 3 फुट 3 इंच आपका 6.5 फुट चौड़ा हो गया ये। तो इस हिसाब से हमने सीढ़ी का डिवाइड किया हुआ है, 3 फुट 3 इंच चौड़ी सीढ़ी आपको फर्स्ट फ्लोर तक जा रही है यहाँ पे। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें स्टेप, तो स्टेप इसमें आपको कितने आएंगे टोटल, आप यहाँ पे जो स्टेप रखेंगे 21 रख सकते हैं या फिर 19 रख सकते हैं। इन दोनों के हिसाब से आप नॉर्मली जो हाइट आप रखेंगे ग्राउंड फ्लोर की वो 11 या 12 फुट, ये दो हाइटों में आप जा सकते हैं, या तो आप 11 फुट रखिए या फिर आप 12 फुट रख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारी जो इधर साइड में भी एक छोटे सा गार्डन एरिया बन रहा है ये पैसेज, इसकी चौड़ाई कितनी है। तो इसकी चौड़ाई आपको 4 फुट यहाँ पे मिलने वाली है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे घर की जो मेन एंट्रेंस है यहाँ पे 4 फुट चौड़ी है, तो 4 फुट में आप दो पल्ले या फिर सिंगल पल्ले का डोर आप लगा सकते हैं। बाकी इसकी जो चौड़ाई है आप छोटा बड़ा कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। उसके बाद जैसे ही हम ड्राइंग रूम में एंटर करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोफा सीटिंग हमने किस तरीके से अरेंज की हुई है। यहाँ पे 3 सीटर प्लस यहाँ पे 2 सीटर, बीच में जो है आपका सेंटर टेबल आ गया, यहाँ पे आपके दो सिटिंग चेयर्स टाइप प्लास्टिक के चेयर्स आते हैं वो यहाँ पे आ गए। उसके बाद जो है वॉल पे हमने वॉलपेपर यूज किया हुआ है, फ्लोरिंग पे हमने मार्बल यूज किया हुआ है और इधर जो वॉल पे है हमने टेक्सचर बोर्ड यूज किया हुआ है। तो
इस तरीके से इसकी डिजाइनिंग है प्रॉपर तरीके से, और इधर आपका सामने जो है यहाँ पे एलसीडी आ जाता है। तो इस तरीके से इसकी डिजाइनिंग है। अब हम बात करते हैं इसके साइज की, तो 14 बाई 12.5 का इसका पूरा साइज है ड्राइंग रूम का, यहाँ से लेके यहाँ तक ये यह जो है 14 फुट है, और इसकी जो लंबाई है ये टेक्सचर वाले वॉल से लेके यहाँ तक आपका ये 12 फुट 6 इंच है, जो काफी अच्छा साइज है सीटिंग के लिए। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे किचन, तो किचन भी काफी बड़ी किचन है हमारी यहाँ पे। तो किचन का जो काउंटर है वो एल शेप में है, फ्रिज की पोजीशन यहाँ पे है, कुकटॉप जो है आपको जिस काउंटर पे लगाना होगा आप लगा सकते हैं, इस वाले पे भी या फिर इस वाले पे, तो उस हिसाब से आप सिंक की एडजस्ट कर सकते हैं। किचन में हम और क्या चेंजेस कर सकते हैं वो एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पे जो किचन का जो नॉर्मली है वो काउंटर आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ये अभी 7 शेप में भी दिख रहा है आपको, लेकिन आप इसको जस्ट रिवर्स कर सकते हैं, तो ये वाला काउंटर आपका एज इट इज रहेगा, ये वाला उठ के फ्रिज वाली वॉल पे आ जाएगा। तो इससे भी आप इसको चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। और इसकी वेंटिलेशन आपका जो हमने पीछे इधर 4 फुट का पैसेज छोड़ा है उधर से इसकी वेंटिलेशन होगी। हाँ, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि ये प्लॉट जो है आपका तो दो साइड ओपन है और दो साइड अदर प्रॉपर्टीज है, इसलिए हमने कुछ इस तरीके से डिजाइनिंग इसकी की हुई है। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे बेडरूम 1। ये हमारा बेडरूम 1 है, ये बेडरूम 1 है जिसमें आपको एक बेड, एक अलमारी और साथ में आपको एलसीडी यहाँ पे मिल जाता है, और साथ में आपको अटैच टॉयलेट भी मिल जाता है यहाँ पे। तो इस बेड का जो साइज है बेडरूम का वो 10 बाई 12.5 फुट है, 10 फुट इसकी पूरी चौड़ाई है और 12 फुट 6 इंच इसकी पूरी लंबाई है, जिसमें आपको किंग साइज एक बेड मिल जाता है और एक अलमारी 2 फुट चौड़ी मिल जाती है। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाती है। यहाँ पे जो है आपको 2 विंडो ऑप्शन मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल साइड रोड है, एक आपका सीढ़ी के नीचे आपका विंडो आ जाएगा और एक आपका इधर रोड साइड में विंडो आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम बात करते हैं अटैच टॉयलेट की। तो ये अटैच टॉयलेट काफी बड़ा है, यहाँ पे जो है हमने वॉश बेसिन दिया हुआ है और यहाँ पे सीट की अरेंजमेंट की हुई है। तो इस तरीके से जो है इसका साइज बनता है आपका 6 फुट चौड़ा है पूरा, ये इसकी चौड़ाई जो है ये 6 फुट है और ये जो लंबाई है वो 8 फुट 3 इंच है। अब हम बात करेंगे अपने बेडरूम 2 की। ये हमारा बेडरूम 2 है। अब इसमें भी आपको जो है एक बेड, एक अलमारी और आपको एलसीडी यहाँ पे मिल जाता है। तो ये बेडरूम पहले वाले बेडरूम से थोड़ा सा छोटा है, तो इसका साइज हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे जो इसका साइज है 10 बाई 11 का इसका साइज हमने रखा है। तो नॉर्मली ये जो बेड है आप इसको जो है इधर साइड में अलाइन भी कर सकते हैं वॉल के साथ, इससे क्या होगा कि आपका ये जो बीच का गैप है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा और एलसीडी आपको यहाँ पे मिल ही रहा है। तो इस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं। प्लस ये भी देख लीजिए कि यहाँ पे जो हमने वॉलपेपर यूज किया हुआ है, प्लस यहाँ पे नॉर्मली जो है हम वुडन फ्लोरिंग दिखाते हैं, लेकिन अभी जो है आपको नॉर्मल मार्बल फिनिशिंग में ये देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपकी डिजाइनिंग हो गई है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे जो है ये कॉमन टॉयलेट हमने इसको रखा है, तो कॉमन टॉयलेट का एक बार हम साइज देख लेते हैं। यहाँ पे जो कॉमन टॉयलेट है वो है 8 फुट इसकी पूरी ये लंबाई है और चौड़ाई है 4 फुट 3 इंच। ये 8 फुट इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस रखा हुआ है, जिससे कि हम यहाँ पे एक छोटा सा वॉश बेसिन दे दे। और एक चीज और हम साइज बोल रहे हैं यहाँ पे डाइनिंग स्पेस का, तो डाइनिंग यहाँ पे हमने 6 लोगों के लिए आराम सीटिंग बनाई हुई है, यहाँ पे आराम से 6 लोग बैठ के खाना खा सकते हैं। अब हम इसके साइज की बात करते हैं, तो डाइनिंग की जो चौड़ाई है वो है 8 फुट और इसकी जो पूरी लंबाई है हम सिर्फ अभी आपको यहीं तक दिखा यहां तक लेंगे, यहां तक ये जो हमारा है ये 7 फुट है, ये 7 फुट है और ये चौड़ाई जो है 8 फुट है। तो इस हिसाब से यहाँ पे काफी अच्छी डाइनिंग टेबल अरेंज हो जाती है। प्लस ये आगे आपका पूरा स्पेस खुला हुआ है तो आप इसमें भी एडजस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, किचन का साइज मैंने आपको नहीं बताया। किचन हमारी जो ये जो चौड़ाई है यहाँ से लेके यहाँ तक वो 9 फुट 9 इंच है, प्लस इसकी जो ये पूरी जो है ये लेंथ ये 7 फुट है। तो 9 फुट 9 इंच बाय 7 फुट का ये पूरा किचन हो गया। यहाँ पे 8 बाई 7 का ये डाइनिंग टेबल हो गया, डाइनिंग एरिया। बाकी सारी चीजें आपके सामने हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे वॉल साइज की। तो यहाँ पे जो नॉर्मल जो आउटर वॉल है सारी वो 9 इंच की हमने रखी हुई है, और बाकी जो एरिया आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा ओपन एरिया हमने छोड़ा हुआ है,
और ये जो पूरा प्लॉट है 30 बाई 40 का है, तो आप इस तरीके से इसकी डिजाइनिंग कर सकते हैं, जिसमें आपको एक कार पार्किंग प्लस एक बाइक पार्किंग, ये सारी फैसिलिटीज मिलती है, प्लस प्रॉपर वेंटिलेशन के हिसाब से इसको बनाया गया है। और एक बार और मैं बताना चाहता हूँ कि इसका वास्तु से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसमें वास्तु एस्पेक्ट ना करें। अब हम बात करते हैं डोर की। तो डोर का जो नॉर्मल, जो मैंने बाहर के जो डोर है उनका साइज बता दिया कि आप नॉर्मली 3.5 फुट चौड़े से लेके आप 5 फुट चौड़ा तक यहाँ पे एंट्रेंस डोर रख सकते हैं। और हम बेडरूम की डोर की बात करें तो नॉर्मली जो क्या होता है कि इसका साइज कहीं 3 भी रखते हैं, लेकिन हम 3 नहीं रखते, हम 3 फुट 4 इंच चौड़ा रखते हैं या फिर 3.5 फुट। तो इस हिसाब से बेडरूम के दरवाजे होंगे। प्लस टॉयलेट के दरवाजों के 2 साइज चौड़ाई मैं बता देता हूँ आपको, उसका जो है 2 फुट 6 इंच या फिर 2 फुट 3 इंच चौड़ाई होगी टॉयलेट की। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं। प्लस विंडो जो है, विंडो की जो नॉर्मल की साइड से शुरू होती है, अगर हम फिट इंच में शुरू करते हैं तो नॉर्मली 3 फुट हाइट से या फिर 3 फुट 3 इंच हाइट से शुरू करते हैं। और कहीं भी आप एमएम में अगर देखते हैं, एमएम में अगर कोई काम करता है तो उसमें नॉर्मली 1 मीटर हाइट होती है, तो 1 मीटर हाइट अप्रॉक्सीमेट 3 फुट 3 इंच तक आपकी हो जाती है। तो इस हिसाब से 3 फुट 3 इंच से आप विंडो शुरू कर सकते हैं या फिर 3 फुट से भी शुरू कर सकते हैं। प्लस हाइट जो है, नॉर्मली जो है दरवाजों को हाइट मैच किया जाता है विंडो के साथ, तो जो भी आपके दरवाजों की हाइट हो अगर मैच करना चाहते हैं तो आप मैच कर सकते हैं या फिर आप उसके नीचे भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। यहाँ पे इस एक फ्लोर की मैं कंस्ट्रक्शन आपको बता देता हूँ कि अगर आप सेम टू सेम डिजाइन करते हैं 30 बाई 40 में, देखिए जितना एरिया आपका ओपन है उतना आपका ओपन रहेगा, बाकी सारे कंस्ट्रक्शन एरिया हैं उनके हिसाब से जो कॉस्टिंग आपकी बैठेगी यहाँ पे मिनिमम 15 लाख होगी और मैक्सिमम जो है 18 लाख जाएगी। तो इसमें जो है क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी वो भी एक बार सुन लीजिए। यहाँ पे जो है आपका फर्नीचर या फिर लूज आइटम एक भी इंक्लूड नहीं रहेगा, क्योंकि फर्नीचर जो है आप अपने बजट के हिसाब से देख सकते हैं। बाकी जो भी हमने फिनिशिंग यहाँ पे दिखाई है, जैसे कि बाहर वाले वॉल पे हमने क्या लिया हुआ है, प्लस पार्किंग में आपका क्या है, प्लस यहाँ पे जो है बाउंड्री वॉल किस तरीके से है, प्लस अंदर जो है हमने क्या फिनिशिंग यूज की है, पत्थर, वॉलपेपर, कलर कॉम्बिनेशन, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। सेम टू सेम आपका पूरा रहेगा, आपका 15 लाख में आप इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। प्लस एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि ये सीढ़ी जो है आप रेंट पर्पस के हिसाब से भी बना सकते हैं, क्योंकि ये बाहर से है सीढ़ी, तो इसलिए अंदर वालों को कोई परेशानी नहीं होने वाली। तो इस हिसाब से आप 2-3 फ्लोर आराम से इसमें बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफी लोगों को हेल्प मिलने वाली है, इसलिए इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि दूसरों लोगों की भी हेल्प हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।